हे गाइस, मैं राघव आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कुकिंग फीवर। तो दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ रवा इडली बाय फार्म वेदा। ये एक ड्राई इडली मिक्स है जो कि फार्म वेदा कंपनी का प्रोडक्ट है एंड इसको बनाना बहुत ही आसान है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको फार्म वेदा और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताता हूँ। फार्म वेदा एक इंडियन कंपनी है जो कि इंडियन फार्मर की इनकम को रेज करती है बाय गिविंग देम ऑल दी प्रॉफिट्स ऑफ दी प्रोडक्ट। हाँ जी, सारा प्रॉफिट ही अपने प्रोडक्ट्स का इंडियन फार्मर को दे देती है और इसमें ओवर 25,000 प्लस फार्मर इंक्लूड है। एंड फार्म वेदा अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि पाउडर्स, जैसे कि इसमें ग्राउंडनट पाउडर है, अंधार गन पाउडर है, इडली मिक्स जो कि मैंने बनाया है, डोसा मिक्स, और ये चॉकलेट्स बनाती है पीनट की एंड पीनट बटर होता है, लेमन पोहा, लेमन रसम एंड उपमा, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट फार्म वेदा बनाती है। इसको ईजिली खरीद सकते हैं थ्रू अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बाज़ार, और इसकी एक ऑफिशियल साइट है फार्म वेदा की, मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एंड आप इसको रिटेल भी खरीद सकते हैं ऑल ओवर बैंगलोर, इसके 400 प्लस रिटेल स्टोर्स हैं। सो अब हम अपनी इडली बनाने की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं एंड इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। 250 ml ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ रवा इडली मिक्स बाय फार्म वेदा एंड 125 ml ऑफ कर्ड। सो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बॉल ले लिया है एंड अब मैं अपने फार्म वेदा के प्रोडक्ट यानी कि रवा इडली मिक्स को खोलूँगा एंड देन इसमें मैंने अपने सारे मिक्स को डालना है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इन पैकेट्स के अंदर बैटर आता है, बट इनके अंदर पाउडर आता है, हमको उसको बैटर बनाना पड़ता है। सो यहाँ पे मेरा सारा मिक्स ट्रांसफ़र हो गया है एंड अब मैं इसको बैटर बनाऊंगा। उसके लिए मैंने इसमें अपने 250 ml ऑफ वाटर को ऐड कर दिया अपने 250 ग्राम ऑफ बैटर में एंड आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए वाटर के साथ और इसको 2 मिनट के रेस्ट के लिए रख दीजिए। सो 2 मिनट बाद ये काफ़ी थिक हो जाएगा। देन आप इसमें अपना कर्ड को ऐड करिए। मैंने यहाँ पे अपने 125 ml ऑफ कर्ड को डाल लिया है, मैंने थिक कर्ड का इस्तेमाल करा, आप भी थिक कर्ड को लीजिएगा एंड देन आप इसको बैटर के साथ मिक्स कर लीजिए। सो यहाँ पे अभी प्रॉपरली मिक्स हो गया है एंड हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप एक कुकर लीजिए एंड देन आप उसकी फ्लेम को ऑन कर दीजिए। हम कुकर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अपनी इडली इसमें स्टीम करेंगे एंड देन आप इसमें अपना 1 ग्लास वाटर को ऐड कर दीजिए और उसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक उबलने के लिए रख दीजिए। एंड अब आप स्टीम इडली स्टैंड को ले लीजिए और उसको ऑयल की मदद से कोट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे सारे जो अंदर खांचे हैं उनको कोट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन ब्रश एंड अब आप इसको अच्छी तरीके से भर दीजिए। मैंने यहाँ पे 75% भर दिया है, आप इसमें 25% को रहन दीजिएगा। आप इसको पूरा ना भरें क्योंकि ये स्टीम होके थोड़ा फूलती है, अगर आप इसको पूरा भरेंगे तो वो मोल्ड से बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली आप अपने सारे मोल्ड को ऐसे ही भर दीजिए। अब मैंने इसके ऊपर इसको लगा के भी इसको ऑयलिंग करके फिर से वैसे ही भर दिया है जैसे मैंने फर्स्ट वाला मोल्ड भरा था एंड यहाँ पे अब मेरा पूरा स्टैंड रेडी है एंड अब आप इसके ऊपर इसको लगा के इसका ढक्कन लगा लीजिए एंड यहाँ पे कुकर में जो पानी था वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। सो अब अपने इडली के स्टैंड को बिल्कुल मिडल में प्लेस कर दीजिए एंड देन आप इसको ढक दीजिए और इसकी जो सीटी आप उसको निकाल दीजिए एंड इसको 10 से 12 मिनट तक मिडल फ्लेम पे आप इसको स्टीम करिए। सो यहाँ पे मैंने इसको 10 से 12 मिनट तक स्टीम करा है एंड देन उसके बाद 5 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद इसको निकाला है एंड ये बहुत अच्छी बन के निकली है यहाँ पे। एंड दोस्तों, अब आपने स्टैंड को केयरफुली निकाल लीजिए एंड जो मैंने ये इडली बनाई है इसका मेथड इसके पैकेट के पीछे लिखा था, जो फार्म वेदा की इडली का पैकेट है उसके पीछे लिखा था। सो आप उसको देख के बना सकते हैं, वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये कैसे बनानी है। सो आप एक स्पून लीजिए और इसको तेल में कोट कर लीजिए, इससे जो है हमारी इडली बहुत स्मूथली निकल जाएगी विदाउट स्टिकिंग। अगर आप चाहते तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है इडली निकालते वक्त, जिससे इडली चिपकती नहीं है। सो आप ऐसे करके अपने सारी इडलियों को निकाल लीजिए और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। सो सर्व इट विद लॉट्स ऑफ लव मीन्स LOL एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल कुकिंग फीवर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो फॉर द डेली अपडेट्स, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, गो फॉलो द फार्म वेदा ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो बाय देयर अमेजिंग प्रोडक्ट्स थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड देयर ऑफिशियल साइट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ओनली। थैंक यू।